कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18 सूत्र 14 अनुवाद। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह है और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। व्याख्या। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं। महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई है एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है। जिसके संकल्प शेष हैं, कुछ करने की वासना है, जिसमें अहंकार है, जिसका मन सदा उद्वेलित एवं चिंतित है, जिसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना है, जो अच्छे बुरे में भेद करता है, जिसे जीव ब्रह्म और सृष्टि में भिन्नता दिखाई देती है, वह न ज्ञानी है न महात्मा। राख लपेट लेने से, नग्न हो जाने से, भगवा पहन लेने से, चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मुक्ति को भी कोई स्थान नहीं है। ये सब व्यर्थ हो गए हैं। ये सब मन की वृत्तियां ही है। जब मन नहीं रहा तो इनका अस्तित्व भी नहीं रहता। जब मन नहीं रहा तो इनका अस्तित्व भी नहीं रहता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरिओम नारायण।